पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी को खत्म करने की राह देख रहा है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर चिंतित हैं। रूटीन जांच के लिए पहुंचे चिकित्सकों से हर दिन लालू प्रसाद यादव देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर जानकारी लेते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद यादव अपने कमरे से ज्यादा बाहर कहीं नहीं निकलते, वार्ड की ही खिड़की पर बैठे रहते हैं। कोरोना के कारण जेल प्रबंधन ने पिछले कई महीनों से उनकी शनिवार की मुलाकात को भी रद्द कर रखा है। लालू का इलाज कर रहे चिकित्सक उमेश प्रसाद ने बताया कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य सामान्य है, बीपी शुगर किडनी की जांच रिपोर्ट पहले से ठीक पाई गई है। लालू प्रसाद पहले से बेहतर हैं। लालू जी की तबीयत सामान्य है, खान पान भी उनका ठीक है और अभी तो कमरे से बाहर निकल के बैठते भी हैं। अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग तो महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत मिलने वाले तो मनाही है कोविड के चलते, लेकिन खाना पीना में देख रहा हूँ कि ठीक ही खा रहे हैं, शुगर बीपी सब कंट्रोल में है। बाहर निकल के बैठते हैं और वहाँ जो उनके साथ जो लगता है शायद सिपाही पाई रहते हैं उनसे भी कुछ बात विचार करते ही हैं, वैसा तो देखने में वैसा गड़बड़ नहीं लगता। आप लोग से कोई बात विचार सर, कुछ मन का बात? हमसे राय विचार वही होती है, तो हमसे तो डॉक्टर ही बात होती है ज़्यादातर, वो कोरोना के बारे में पूछते हैं और अपने किडनी के बारे में और डॉक्टर साहब शुगर कब कंट्रोल होगा ये होगा, इसी की ज़्यादा उनका हमसे तो है कि तार्किक वही रहता है, तर्क करते हैं कि किडनी कैसे खराब होता है, कैसे कितना खराब है ये है वो है। ब्लड रिपोर्ट हम लोग कराए थे उसके बारे में बात कर रहे थे कि पहले से सुधार हुआ है नहीं हुआ है, कितना सुधार हुआ है, और जनरल कोरोना के बारे में संख्या बढ़ रहा है, कब तक कंट्रोल होगा, क्या होगा, कोरोना के लिए जो भी चिंतित रहते हैं। हाँ, कोरोना के लिए हमको लगता है कि आम आदमी नागरिक की तरफ वो बहुत चिंतित है। जब भी जाता हूँ तो अगर 5 सवाल हमसे करते हैं तो 2 सवाल उस पर कोरोना के बारे जरूर। ओंकार आवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।